नारायण प्रभु के नाम कवच बन करके अपने अंगों में धारण कर लो, इसी का नाम है नारायण कवच। इस पूरे स्तोत्र में वही सब वर्णन किया गया है। आगे पीछे ऊपर नीचे आकाश पाताल में सर्वत्र श्री हरि के विविध नाम हमारी रक्षा करें, भगवान के विविध स्वरूप वही इसमें अभिमंत्रित किया गया है। हमने तो इसी भवन में बैठकर के इसके बहुत से चमत्कार इस कोरोना काल में देखे हैं। जिन जिनको कोरोना हुआ, कोविड हुआ, और लोग हमको फोन करते तो हमने सोचा आप क्या बताएं भाई, तो हम यही कहते थे भाई नारायण कवच तो भागवत में यही एकमात्र कवच है जो बचा सकता है, प्रयोग करके देख लो। तुरंत 1100 पाठ ब्राह्मणों के द्वारा कराते थे, एक दिन में हो जाता था, 20-25 ब्राह्मण मिलकर के कर लेते थे। जिसके संकल्प से नारायण कवच का पाठ यहाँ हुआ, एक नहीं ऐसे 50 पाठ हो गए, और पूरा कोरोना काल यही क्रम चलता रहा। कभी कभी तो एक दिन में 3-3 पाठ होते थे, सुबह किसी का, दोपहर किसी का, शाम को किसी का, और एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि जिसका पाठ हुआ हो वो स्वस्थ ना हुआ, सबके सब स्वस्थ होते चले। इसलिए हमारा विश्वास और भी इसमें दृढ़ हुआ, और आपको सुना इसलिए रहे ताकि आपका भी विश्वास सुदृढ़ रहे। और केवल हमारा ही विश्वास नहीं है, ऐसे अनेकों ब्राह्मण भी बैठे हैं जो इसमें नित्य साक्षी बन करके पाठ किए हैं। तो इसलिए जब हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया तो विश्वास दृढ़ है, आपको भी प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। अब प्राय लोग एक ही बात कहें, हम तो संस्कृत जानते ही नहीं महाराज, हम कैसे पाठ करेंगे। तो एक विचारणीय बात है, मुसलमान कैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो या न हो, परंतु वो नवाज पढ़ना जानता है और अपने ग्रंथ की, धर्म ग्रंथ की आयतों को पढ़ता है और उसी भाषा में पढ़ता है जिस भाषा में लिखा है, उनकी अपनी भाषा है। ईसाई कैसा भी हो पर अपने धर्म ग्रंथ का अपनी भाषा में पाठ करता है जिस भाषा में वो लिखा गया है। सिख भाई अपने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, उनकी जिस भाषा में लिखा है उसी में पाठ करते हैं। सभी अपने अपनी भाषा में, और कुछ जानते हो या न जानते हो पर अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करना जानते हैं। केवल हम हिंदुओं से जब कहा जाए कि राम रक्षा स्तोत्र या नारायण कवच का पाठ करो, पहला प्रश्न उठेगा महाराज हमको संस्कृत नहीं आता। भाई तुम संस्कृत में बात न करो, संस्कृत के और धर्म ग्रंथ जितने हैं, परंतु जो मुख्य है, जो स्तोत्र है मुख्य, जो तुम्हारे जीवनदायिनी शक्ति को देने वाले हैं, जो तुम्हारी सारे प्रकार के संकटों से रक्षा करने वाले हैं, कम से कम उनका पाठ तो हमें ठीक से संस्कृत में आना ही चाहिए। आज भारत की ओर सारा विश्व देख रहा है, विदेशी लोग अपने सुख भोग सामग्रियों का परित्याग करके यहाँ संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन में भी सुना होगा, इसी वर्ष संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय में एक मारिया नाम की कोई विदेशी महिला आई और उसने संपूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था शास्त्री में। और जितना बढ़िया वो अपनी भाषा बोलती है अपने देश की, उतनी ही स्पीड में बड़े आराम से संस्कृत में धारा प्रवाह बात करती है। और उसने संकल्प लिया कि मैं अब संपूर्ण जीवन संस्कृत का ही प्रचार करूंगी, और वो संस्कृत पढ़ाना चालू कर दिया, संस्कृत पढ़ाती है। तो अपनी भाषा, अपना देश सब कुछ छोड़ करके वो संस्कृत के रंग में रंगी हुई है, इतनी दूर से आकर, और हम संस्कृत से भाग रहे हैं उस विदेशी भाषा की तरफ। आज हम लोगों की मानसिकता इतनी गुलामी है, अभी भी हम राष्ट्र स्वतंत्र हो गया पर मानसिकता से हम अभी भी इतने गुलाम हैं कि आप कितनी भी भाषा में बात करो, बढ़िया संस्कृत धारा प्रवाह बोलो, परंतु जब तक अंग्रेजी नहीं बोलोगे तब तक आपको लोग पढ़ा लिखा नहीं मानेंगे। और किसी को कुछ भी ना आता हो, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो,
परंतु यदि अंग्रेजी में बात करने लगे जाए तो कह रहे ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है भाई। क्यों जी? तो क्या पढ़े लिखने होने के लिए प्रमाण अंग्रेजी में ही मिलेगा? ये हमारी गुलामी मानसिकता का संकेत है। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी को छोड़ गए। जहां जब बड़े घरानों में जाओ या बड़े कोई पढ़े लिखों की समाज में जाओ तो जब उसको अपनी योग्यता स्थापित करनी हो, वर्चस्व स्थापित, तो अंग्रेजी झाड़ना चालू कर देगा। अब उससे आप संस्कृत में बोलने लग जाओ तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। परंतु पढ़ा लिखा लोग उसी को मानेंगे, क्योंकि संस्कृत के प्रति हम लोगों की निष्ठा नहीं है, मानसिकता तो अंग्रेजी से जुड़ी हुई है। इसलिए ऋषियों का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान संस्कृत में छुपा हुआ है, और संस्कृत आएगी तो आप अपनी संस्कृति को समझ सकेंगे। अंग्रेजों की भाषा पढ़ करके आपने देखिए, जब मैंने अनुभव किया है और आपने भी किया होगा, जब किसी बात पर वाद विवाद हो जाए और झगड़ा चालू हो जाए तो तुरंत अंग्रेजी निकल पड़ती है। वैसे सामान्य रूप से बात कर रहे होंगे, हिंदी में बात कर रहे होंगे, और जब लड़ाई होने लगे फिर देखो तुरंत कोशिश करें, न जानते हो तो भी अंग्रेजी के दो चार शब्द बोलने की पूरी कोशिश करेंगे। हमको ऐसा मत समझना। और संस्कृत में आप भरपूर गाली देने की भी कोशिश करोगे तो संस्कृत में ऐसे शब्द ही नहीं है जो गाली आपको अभद्र सुनाई पड़े। किसी से आप कहो आओ देवानाम प्रिया, आगम्यताम भो देवानाम प्रिया, तो सुनने वाले को क्या लगेगा? हम देवताओं के प्रिय हैं इसलिए हमको देवानाम प्रिय बोला। पर संस्कृत में देवानाम प्रिय का मतलब मूर्ख, पागल। अब बताओ देवानाम प्रिय सुनने में कितना प्यारा लग रहा है, और कोई कल्पना करेगा देवानाम प्रिय माने मूर्ख होगा। आइए ग्राम सिंह, सुनने वाले को लगेगा हम गांव के शेर हैं, अपने गांव में हम ही तो एकमात्र शेर हैं। पर ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का, गांव का कुत्ता। अब बोलो संस्कृत में किसी को गाली भी दोगे तो सुनने वाला तो तारीफ समझेगा। संस्कृत की गाली भी इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी है। इसलिए संस्कृत भाषा में बड़ा चमत्कार है। इस चमत्कार को कुछ वर्षों की गुलामी ने हमारी बुद्धि से ऐसा भर दिया है कि यह संस्कृत तो पुराने जमाने की गई गुजरी भाषा है, और वो जंगली लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे, ऐसी मानसिकता हम लोगों की बना दी गई है। पढ़े लिखे तो अंग्रेजी वाले होते हैं, इसलिए आज हम लोग संस्कृत को मृत भाषा मान करके अंग्रेजों की इस अंग्रेजी में भाग रहे हैं। अतः हम कई ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, भले ही उनको अंग्रेजी आती हो तब भी अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, वो अपनी भाषा में ही बात करेंगे। पर हम ही लोग हैं जो अंग्रेज बनते चले जा रहे हैं। अतः अब कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि महाराज अशुद्ध हो गया तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, ये भी गलत बात है। आप किसी का अनिष्ट करने की भावना से यदि कोई पाठ कर रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं तो आपका अनिष्ट हो सकता है, परंतु अपने प्रभु से लाड़ लड़ाने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए यदि आप कोई भी पाठ कर रहे हैं तो, या जाप भी कर रहे हैं तो ठाकुर जी तुम्हारी अशुद्धि थोड़ी पकड़ेंगे। भक्ति प्रियो माधव, मूर्खो बदति विष्णाय, विज्ञो बदति विष्णवे। एक सज्जन रामायण नमः कह रहे थे तो एक सुन रहा था तो उसने कहा ऐसे बोला जाता है रामायण नमः, वो गया लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, वहां भगवान विष्णु विराजमान थे लक्ष्मी जी के साथ। तो अब उसने कहा वहां पर राम जी का मंदिर था तो रामायण नमः बोल रहा था, तो उसने कहा विष्णाय नमः विष्णाय नमः, रामायण नमः की जगह वो विष्णाय नमः बोलने लगा। अब उससे थोड़ी मालूम था कि राम शब्द अकारांत है और विष्णु शब्द उकारांत है, तो उकारांत में विष्णवे नमः बोला जाएगा, विष्णाय नमः थोड़ी बोला जाएगा। पर वो व्याकरण नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं है, विष्णवे नमः की जगह विष्णाय नमः भी बोला
तो भगवान उसके व्याकरण दोष को नहीं पकड़ेंगे, बल्कि वो तो ये देखेंगे हमको नमस्कार कर रहा है। भगवान तो बस नमस्कार शब्द सुन के ही प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको इसने प्रणाम किया। जो बालक कहे तोतरी बाता, तो सुना है मुदित मन पितु और माता। बच्चा तोतली भाषा में जब बोलता है तो माता पिता उसकी तोतलाई हुई भाषा में जितना आनंद लेते हैं उतना बाद वाली भाषा में नहीं, भले वो कितना भी बढ़िया फर्राटे से कुछ बोलता हो, साहित्य शब्दों की जड़ी लगा दे, पर बच्चे की तोतली वाणी माँ को मुग्ध करती है। ऐसी भगवान हमारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जब हम उनसे कहते हैं तो हमारी वाणी का दोष है वो भगवान नहीं पकड़ेंगे, बस उनकी प्रसन्नता के लिए आप प्यार से बोले, बोलो राधे राधे।